हिंदुस्तानी संगीत से जुड़ी हर जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल संगीत शिक्षा इन हिंदी। बेल आइकन को जरूर दबाएं हमारा हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संगीत शिक्षण हिंदी में। मैं शिवम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी राग, बहुत ही मधुर राग है, राग तिलंग लेके आया हूं, जिसका पूर्ण परिचय मैं आपको बताऊंगा भाग एक, उसके बाद उसकी स्वरलिपि, वही प्रक्रिया है, वही क्रियाक्रम है पूरा। तो राग तिलंग है पार्ट वन, इसमें पूर्ण परिचय है इसका। तो खमाज थाट की है, आइए थाट से शुरू करते हैं। थाट इसका है खमाज, तो आप जान ही गए होंगे कि इसमें नी कोमल प्रयोग होगा। गायन समय इसका रात्रि का दूसरा पहर, वादी स्वर इसका है गंधार, संवादी है नी, नी शुद्ध ही यूज होगा, वो मैं आपका आगे बताऊंगा। जाति इसकी है ऑडव ऑडव, इसकी जाति ऑडव ऑडव है। अब बात करते हैं स्वरों की। जाति इसकी ऑडव ऑडव है, इसके आरोह में भी 5 स्वर हैं और अवरोह में भी 5 स्वर हैं, यानी रे और धा पूर्णतः वर्जित है, रे और धा पूर्णतः वर्जित है आरोह में भी अवरोह में भी, पर आरोह में शुद्ध नी है, आरोह में नी शुद्ध है और अवरोह में कोमल है, अवरोह में कोमल है और आरोह में शुद्ध नी है। तो जाति ऑडव ऑडव है, रेधा पूर्णतः वर्जित है, न्यास के स्वर सा गा पा, यानी ये षड्ज गंधार और पंचम। अब आइए बात करते हैं इसकी आरोह की। आरोह है सा गा मा पा नी सा, कभी कभी नी से भी शुरू करते हैं, तो नी सा गामा, नी मंत्र का नी सा गामा पानी सा। अवरोह में सा नी कोमल हो जाएगा, सा नी पा मा गा मा गा सा, सा नी पा मा गा मा गा सा। गामा गा सा जो है इसका मुख्य अंग है मा गा मा, ये आप सीधे सीधा भी कर सकते हैं, सा नी पा मा गा सा ये भी कर सकते हैं। तो अब इसकी पकड़ की बात करते हैं, तो पकड़ है इसकी नी पा कौमा मा गा मा, ये इसकी इतनी पकड़ है, और ये इसकी पकड़ है, और ये इसका अवरोह है आरोह है। और इसके ये इसकी राग के बारे में बता दूँ, विशेषता राग थोड़ा चंचल है और ये ठुमरी का राग है, इसमें छोटा ख्याल और ठुमरी ही गाई जाती है, बस इसके अलावा कुछ नहीं, ये ठुमरी का राग है। और कभी कभी अवरोह में रे यूज़ कर लिया जाता है तार सप्तक में, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे। तो आइए दोबारा इसको एक बार रिव्यू करते हैं। थाट खमाज, गायन समय रात्रि का दूसरा पहर, वादी गा संवादी नी नी शुद्ध रहेगा, जाति ओडव ओडव है, रेधा पूर्णतः वर्जित है आरोह में भी अवरोह में भी, न्यास के स्वर हैं सा गा पा, आरोह है नी सा गामा पानी सा, अवरोह सा नी पामा गामा गासा, पर कभी कभी अवरोह में आप सा नी पामा गासा भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पकड़ नी पा मा गामा इतनी है। तो ये हुआ इसका पूर्ण परिचय। अगला वीडियो पार्ट टू आएगा, उसमें आपकी बंदिश होगी, बंदिश बहुत अच्छी है, वंदना है शारदे की, और उसके बाद उसको मैं गा के सुनाऊंगा। तो कीप वॉचिंग, शेयर इट, कमेंट इट, सब्सक्राइब इट, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। सो आप प्लीज वॉच इट दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट, एंड इफ देयर एनी देयर कमेंट, सो प्लीज कमेंट ऑन माय कमेंट बॉक्स। आई होप यू विल लाइक इट।